Like a Hellcat. Hello students, welcome again. Probability mathematical statistics का आज second video है. पहले video में हमने कुछ definitions देखी थी, जैसे random variable, event, trial. उन definitions के बाद आज के video में हम probability, मैंने इससे पहले video में कुछ एक दो numericals भी आपको कराए थे. आज हम probability के approach के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की अप्रोच है, और वन बाय वन सबके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, और एक है एक्जिमेटिक और सब्जेक्टिव अप्रोच. ये तीन टाइप्स की अप्रोच ये बर्नौली ने दी थी. क्लासिकल अप्रोच ही हम जो 7th-8th क्लास से पढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी आ रहे हैं, वो हम मेनली क्लासिकल अप्रोच के बारे में ही पढ़ते हैं. उसमें क्या होता है कि हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल जो आउटकम्स है उससे डिवाइड करते हैं, तो उस फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है. तो ये तीन टाइप के अप्रोचेज आपको पढ़नी है, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल और एक्जिमेटिक. वन बाय वन इन डेफिनेशंस को हम देखते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से. पहली डेफिनेशन थी आपकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले के वीडियो में बता दिया है, लीड्स टू एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस. ये सारी डेफिनेशन मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसमें टोटल जो आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आउटकम्स हैं, वो टोटल आउटकम्स कितने हैं, एन, और किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इवेंट क्या है, ए, और वो ए इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, एम हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एम, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, एन. तो ये ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ये डेफिनेशन आप इसी डेफिनेशन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इसमें कुछ कंडीशंस आपको याद होंगी, जैसे किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन. हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम जो है, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा वन. और दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती है और जीरो से कम नहीं हो सकती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. ये कंडीशन भी आपने पहले पढ़ी होगी, इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है, तो उस इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट. और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए, तो उस इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट. 0 होने पे इम्पॉसिबल इवेंट, 1 होने पे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट. तो ये क्लासिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की. पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिखा हुआ है. इफ ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए आर 2:5. ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए आर का मतलब है, इसमें जो आपको याद रखना है, वो याद रखने वाली कंडीशन क्या है, कि जो अगेंस्ट अगर लिखा हुआ है, इसने ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें जो रेशियो में पहला टर्म आएगा, वो उस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने में जो न्यूमिरेटर वाला पार्ट होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का न्यूमिरेटर वाला पार्ट कितना होगा, 5 होगा. तो आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए निकालना है. तो अगर मुझसे ए बार निकालने के लिए कहा जाए, ए बार का मतलब क्या है, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगी न्यूमरेटर में 2 आएगा इसके, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का सम, कितना हो जाएगा, 2:7 या 2/7 ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी. और ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो 1 - PA बार कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 - 2/7,
आपका आंसर आ जाएगा 5/7। तो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट कहा जाए तो ऑड्स अगेंस्ट में जो पहले रेशियो में पहला टर्म होगा वो उस इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी का न्यूमिनेटर वाला पार्ट होगा। इसी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स और जो देखते पहला हैं। क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ है वो क्या है, एन अर्न कंटेन्स 10 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट ऑफ इट देन दे आर वाइट। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 10 + 3 13, टोटल आउटकम्स हम कह सकते हैं या टोटल एग्जॉस्टिव केसेस। थर्टीन में से कितनी बॉल आपको सेलेक्ट करनी है, 2 बॉल्स, तो 13 में से 2 बॉल्स कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 13C2, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 13 - 2 11 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 11 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 78 टोटल आउटकम्स। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए आप टोटल आउटकम्स तो आपके हो गए 78 और आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालने की, वो दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए, वाइट बॉल्स होनी चाहिए। टोटल वाइट बॉल्स हैं कितनी, 3, 3 में से दोनों के दो क्या होने चाहिए, वाइट बॉल्स होनी चाहिए। 3C2 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल अपॉन 78, तो 3 अपॉन 78 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल से 3 × 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 3 और 3 2 जा 3 6 जा 1/26। पहले वाले क्वेश्चन की दोनों व्हाइट बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले भी देखा हो क्योंकि काफ़ी पहले भी जूनियर क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाट इज़ द चांस या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडेज। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस या नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने होते हैं, एक लीप ईयर में 366 डेज। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक संडे 7 7 के पेयर में रिपीट होता है, 7 डेज में एक संडे आपका रिपीट होता रहता है, तो 366 डेज में कुछ संडे ऐसे होंगे जो कन्फर्म होंगे, कुछ संडे ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और जो संडे डेफिनेटली आ रहे हैं उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भी नहीं क्योंकि डेफिनेट इवेंट अगर पहले से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो 366 डेज में से कुछ संडेज ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आएंगे, वो संडेज देखते हैं हम पहले, नंबर ऑफ संडेज, और कितने पेयर में संडे रिपीट होता है 7 के, तो यानी कि 366 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 52 2/7। तो इसका क्या मतलब है कि 366 डेज में से 52 संडे तो आने ही आने हैं, बचे कितने, 2 दिन, तो ये 2 दिन में से आपको अब क्योंकि 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 52 डेफिनेट हो गए, सिर्फ एक संडे की बात हो रही है, एक संडे की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और डेज कितने रिमेनिंग है, 2, वो 2 डेज में एक संडे हो सकता है, एक मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे प्लस संडे। 366 डेज में से 52 संडे कंफर्म थे, सिर्फ आपका एक संडे और बचा है और नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग है, 2 डेज, उन 2 डेज में इतनी पॉसिबिलिटी आपके सामने है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखिए आप संडे कितने पेयर में आ रहा है, आपको सिर्फ एक संडे की प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है क्योंकि 52 कंफर्म है, तो एक संडे यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2,
और टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2/7 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 53 संडे आने की, जिसमें 52 कंफर्म थे, सिर्फ एक संडे की यहाँ पे बात हो रही थी। अगर इसी क्वेश्चन में संडे के अलावा मंडे कर दिया जाए तब भी आपका सॉल्यूशन ये रहेगा, यहाँ पे संडे की जगह मंडे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी तब भी 2/7 आनी है क्योंकि मंडे भी दो बार रिपीट हो रहा है, एक मंडे यहाँ एक मंडे यहाँ। तो संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है, तो उस प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आना है, 2/7 ही आना है। तो कुछ क्लासिकल अप्रोच के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं आज, अगले वीडियो में भी कुछ क्लासिकल अप्रोच के ही न्यूमेरिकल और उसके लिमिटेशंस मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने इसके लिमिटेशंस नहीं पढ़े, सिर्फ डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल किए हैं। लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे लिमिटेशन से हम अगली प्रोबेबिलिटी को समझ भी पाएंगे। तो लिमिटेशंस देखने के लिए अब मैं जो नया वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा उसमें हम उस टॉपिक को देखेंगे।